तो 12 जुलाई को मेरे पास K20 Pro के अंदर MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट आया। इसके बाद दो दिन यूज़ करने के बाद यानी कि 14 जुलाई को मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि क्या कुछ चेंजेस वगैरह आया है, और इसी के साथ साथ दो दिन का मेरा एक्सपीरियंस MIUI 12.5 को यूज़ करने के बाद कैसा रहा, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल रिव्यूज़ का मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख सकती हो। और आज हो रहा है 24 जुलाई यानी कि लगभग 12 दिन यूज़ करने के बाद K20 Pro के अंदर MIUI 12.5 को मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, यानी कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है जो कि आप फिक्स कर सकते हो, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ और नए फीचर्स देखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर मैं कुछ और नए फीचर्स के बारे में बात करूं तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्लीकेशंस की सेटिंग्स के अंदर। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस की सेटिंग्स के अंदर आओगे और देन ऐप परमिशंस के अंदर आओगे और एकदम नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव परमिशंस इफ़ ऐप इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि अगर आप उस एप्लीकेशन को उस टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो भी उस एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड परमिशंस है जैसे कि कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, एसएमएस, तो ये सारा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो एक लेवल यहाँ पे आगे आ जाता है सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस है जैसे कि फ़ोन की कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, उस सारे एप्लीकेशंस के अंदर इस फीचर को आप एनेबल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर देखने को मिलेगा, और ये हर एक तरीके के एप्लीकेशंस के अंदर हर एक तरीके का आप लोगों को सेटिंग्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक नोटिफिकेशन है मी फिट एप्लीकेशन का, तो अगर आप इसे कुछ देर तक प्रेस करके रखोगे तो इस तरफ आपको अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन अलाउ तो ये डिफ़ॉल्ट आपका अलाउ रहेगा, और अगर आप चाहते हो इस नोटिफिकेशन को ना शो करना तो सिंपली आप लोग इस अलाउ को टैप कर दोगे तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आगे इस एप्लीकेशन से आपका कोई भी नोटिफिकेशन आगे नहीं आएगा। उसी तरह से अगर आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पर भी और भी कस्टमाइजेशंस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशंस के अंदर। और नेक्स्ट अगर मैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर आऊँ तो यहाँ पे गेम टर्बो 4.0 फाइनली मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आओगे तो एज सच आप लोगों को कोई भी नया ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर आप कोई भी गेम एप्लीकेशन के अंदर आओगे, जिन सारे एप्लीकेशन या फिर गेम को आपने वहाँ पे एनेबल करके रखा है यानी कि गेम टर्बो के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। तो गेम टर्बो के अंदर कुछ नया ऑप्शंस जैसे कि वॉइस चेंजर्स, तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेशली BGMI की ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में, तो जो पहले से मिलता हुआ आ रहा है यानी कि HDR एक्सट्रीम, यही आपको हाईएस्ट सेटिंग देखने को मिल रहा है। बाकी स्मूथ पे, बैलेंस पे, HD पे कहीं पर भी आप लोगों को 90fps वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 60fps का ही है, तो कैसे ये 90fps को सपोर्ट करेगा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे खुद से सोचना होगा। ओके, तो मैंने जब वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स वगैरह आए, काफ़ी सारे आप लोगों ने बातें वगैरह की कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ क्या कुछ नए फीचर्स जो कि मैंने नहीं देखा था। मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया भी था कि मेरी नज़र में यही कुछ फीचर्स मैंने देखा था, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने बात की। तो सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और अभी अगर मैं बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस के बारे में, तो सबसे पहले तो जब मैं आप लोगों के लिए ये VGMI वाला वीडियो बना रहा था, लगभग मैंने गेम को खेला भी नहीं 8 मिनट तक, मतलब 7 से 8 मिनट तक VGMI जस्ट मेरे फ़ोन के अंदर ओपन रहा, और उसी टाइम के बीच आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर वाला मार्क है यहाँ पे, ये बैटरी ड्रेनिंग का है। तो जस्ट 8 मिनट भी नहीं होगा, 6 से 7 मिनट सिर्फ ओपन करके रखा था इस BGMI को, और उसी टाइम पे यहाँ पे बैटरी ड्रेन हमें देखने को मिल चुका है। और इसी के साथ साथ फ़ोन अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, हालांकि अभी तो थोड़ा सा 10-12 मिनट हो चुका है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर है 34 में आ चुका है, और 34 इसका नॉर्मल होता है, कोई भी हीट वगैरह नहीं, लेकिन उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री तक यहाँ पे टच कर गया था। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो पहले हीटिंग इशू था या फिर जो बैटरी ड्रेन इशू वगैरह था वो सब कुछ अभी भी है।
एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, लेकिन आप एक बार अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए, इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होगा जो फिक्स हो जाएगा ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्मेट ऑलरेडी कर चुके हो अपने फ़ोन को, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह था जो कि फ़िक्स हो चुका है, और ऐसे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है जो कि फॉर्मेट करने के बाद भी सही नहीं होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो, इन सब के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा हूँ। तो उन सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खुद से ही फिक्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन बैटरी ड्रेन हो गया या फिर जो हीटिंग हो गया, ये फॉर्मेट करने के बाद भी ये दो चीज़ें नहीं गया है, स्टिल हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा है इस MIUI 12.5 के अंदर। यानी कि अगर आप ऐसे कोई हैवी एप्लीकेशन को ओपन करोगे या फिर हैवी टास्क वगैरह करोगे अपने K20 Pro के अंदर, तो हीट ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक और चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करना चाहूँगा। मैंने जब वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट्स वगैरह है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताने लगे। लेकिन MIUI का एक जो खासियत होता है कि फ़ोन हम सबके पास एक ही है, अपडेट भी सबके पास एक ही आया, लेकिन जो बग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मेरे फ़ोन में हीटिंग हो रहा है, बैटरी ड्रेन हो रहा है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, लेकिन ये तो ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम शायद से सभी को नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि किसी के पास आया होगा MIUI 12.5 का अपडेट, उसके पास भी सेम वेरिएंट होगा 6GB 128GB, लेकिन उसको हीटिंग और ना ही बैटरी ड्रेन देखने को मिला होगा। तो इस तरीके का चीज़ होता है MIUI के अपडेट के साथ। यानी कि हो सकता है कि मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके पास अगर सेम डिवाइस होगा, सेम अपडेट आएगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस नहीं की हीटिंग और बैटरी ड्रेन के अलावा। हाँ, एक और चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, रैम मैनेजमेंट। रैम मैनेजमेंट पहले यानी कि MIUI 12.0.5.0 आई थिंक वहाँ पे जो इसका रैम का जो फ्री स्पेस था वो इंक्रीज़ हो चुका था। उसके बाद जब 6.0 का अपडेट आया तो वहाँ पे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया, लेकिन रैम के अंदर जो एप्लीकेशंस होते थे वो ज़्यादातर तक नहीं रहते थे। लेकिन फाइनली इस अपडेट के साथ वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो चुका है मेरे फ़ोन के अंदर। यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन को ओपन किया ज़्यादा लंबे समय तक, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किए, तो वो रैम मेमोरी के अंदर भी रहता है, और रैम का जो फ्री स्पेस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। यानी कि रैम मैनेजमेंट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया जा चुका है MIUI 12.5 के अंदर। और एक और जो छोटा सा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि नेटवर्क के अंदर कभी कभी इश्यूज मुझे देखने को मिल रहा है। तो बस यही तीन प्रॉब्लम्स मैंने देखा MIUI 12.5 को अपडेट करने के बाद। तो फाइनली बात करते हैं कि क्या आप लोगों को इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी MIUI 12 में अपने फ़ोन को अपडेट कर चुके हो, तो देन डेफिनेटली आप MIUI 12.5 में अपडेट करो। अदरवाइज़ अगर आप अभी भी पुराने कोई वर्जन में हो, जैसे कि MIUI 11 हो गया या फिर MIUI 10 पे हो गया, तो आप वहीं पे रुको जहाँ पे हो, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स अभी इस K20 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है K20 Pro MIUI 12.5 के अंदर, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी क्या आपने अपने K20 Pro को अपडेट आने के बाद फॉर्मेट किया या फिर नहीं किया, ये चीज़ भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।